सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे मैं अटल हूं के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि इस फिल्म का बजट कितना, फिल्म को कितने स्क्रीन्स में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूं रिलीज हुई है। ये एक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म है। ये फिल्म भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी तारीफ अपोजिशन वाले भी करते थे, क्योंकि उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं की थी, उन्होंने शिक्षा और देश के विकास पर काम किया था। लेकिन कुछ की माने तो फिल्म को प्रोपोगेंडा फिल्म बना दिया गया, यही कारण है कि फिल्म का बज भी बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म को रवि जाधव ने डायरेक्ट किया है। बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 500 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, तो ओवरसीज में लगभग 100 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 600 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। वहीं बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट तकरीबन 23 करोड़ बताया जा रहा है। और बात करें कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में लगभग 50 लाख से 1 करोड़ के रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है, तो वर्ल्ड वाइड लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। पहले दिन के कलेक्शन तो काफी ज्यादा खराब दिख रहे हैं, लेकिन फिल्म के रिव्यूज अच्छे मिले और फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा बना रहा तो हो सकता है फिल्म दूसरे दिन से अच्छा खासा ग्रोथ कर ले, लेकिन बड़े ग्रोथ करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।